श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जब एक हाथ बर्फ का टुकड़ा समुद्र में गिरता है तो उस पर प्रभाव शुरू हो जाता है बाहर से, समझो उसका आकार क्रिकेट के बॉल के जैसा हो, इतना बड़ा हो, तो पानी में पड़ा तो धीरे धीरे उसका आकार थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और फिर ऐसी स्थिति आती है कि वो बर्फ का लड्डू गायब हो गया। अब वो कहाँ गया और क्या वो फिर से वही लड्डू बाहर आएगा? इसी प्रकार से साधना का जो नियम है, बाहर से शुरू करो तो उस बर्फ की आत्मा क्या है? बर्फ की आत्मा है पानी, लेकिन वो पानी जमने के बाद उसको बर्फ कहते हैं। इसी प्रकार से हम हैं सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्म तत्व, लेकिन हम जम गए देश में काल में वस्तु में, हम जम गए। और इसको करना क्या है? इसको सच्चिदानंद समुन्दर में अपने आप को झोंक देना है। उसके बाद जैसे उस बर्फ का टुकड़ा बाहर से धीरे धीरे पानी में एक होने लग जाता है, इसी प्रकार से हम अपनी साधना शुरू करें, बाहर का त्याग करना शुरू करें। जैसे बर्फ पानी बनता नहीं, वो पानी होता है, उसी प्रकार से हमको सच्चिदानंद परमात्मा बनना नहीं है, हम है ही। एक आकार धारण कर लिया और एक नाम धारण कर लिया, नाम रूप से संसार प्रारंभ होता है। जहां नाम रूप दोनों का अभाव है वहां संसार में, और वही पवित्र है। जैसे आपने देखा होगा दो नदियों का जब संगम हो जाता है तो उस संगम में एक नदी अपना नाम रूप त्याग देती है। जैसे आप रुद्रप्रयाग में चले जाओ तो वहां दो नदियां आके मिलती है, एक अलकनंदा और दूसरी मंदाकिनी। यह जो मंदाकिनी नदी है अपने नाम रूप का त्याग कर देती है और उसके आगे उस नदी को केवल अलकनंदा ही कहा जाता है। तो जहां नाम रूप का त्याग हो गया वह स्थान प्रयाग कहते हैं और वही स्थान अति पवित्र होता है, वही आनंद है। जब नाम रूप नहीं है तो मान अपमान नहीं है, जब नाम रूप नहीं है तो लाभ हानि नहीं है। और ये दोनों नाम रूप गायब हो जाते हैं अपनी गहरी नींद में, तो वहां ना कोई हानि है ना कोई लाभ है, ना कोई मान है ना कोई अपमान है। इसीलिए शिवसूत्र के अनुसार आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है बाहर से अपने आप की छननी शुरू कर दो, छांटना शुरू कर दो। तो कैसे छांटना? पहले जितना संग्रह है उस संग्रह वृत्ति से अपने आप को बचा लें। संग्रह वृत्ति में हम इतनी सारी चीजें इकट्ठी करते हैं कि वो ज्यादा महत्व की हो जाती है। देखो
वी यूज द पीपल एंड लव द थिंग्स, होना क्या चाहिए, वी शुड लव द पीपल एंड यूज द थिंग्स, क्योंकि हमने उसको महत्व दे दिया है, तो जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे लिए समस्या बन करके खड़ा हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी, तो पहले संग्रह वृत्ति से अपने आप को छांटना शुरू कर दे। तो बर्फ का जो लड्डू था वो धीरे धीरे छोटा होने लग गया, फिर संबंधों से अपने आप को बचाना शुरू कर दे। तो यह जो मेरा नाम का आकार हमारे अगल बगल में बना हुआ है उससे हम धीरे उपरत हो जाएंगे, उसके पश्चात हम आ जाएंगे अपने इंद्रियों पर। तो यहां आने से क्या हो गया, हमने अपना बाहर का बोझा उतार दिया। बोझा उतारने के बाद ही आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हो। ये जो जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए एक बैकपैक होता है, क्या क्या होता है, तो बैकपैक लेकर के थोड़ी करते हैं, उसको उतारना पड़ेगा, तभी वो जिम में काम करने के अधिकारी है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, सत्संग में आ गए ना, अब बोझा बाहर उतारो, इस भ्रांति में मत रहना सत्संग में गए तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही है, प्रॉब्लम अपने साथ है। देखो महाराज, तो सत्संग को ये मत समझना कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जैसे बीमार लोग पहुंच जाते हैं, सत्संग में बीमार पहुंच गए, महाराज जी मेरी बीबी मुझे मारती है तो मैं क्या करूं, पुलिस को FIR करो। इस चक्कर से जो बचा है वही अध्यात्म का अधिकारी है। मैं तो कहीं भी चले जाओ वही क्या क्या होता है, अरे राम राम बहुत हो गया, जिना फिर जिना। भगवान हमको ये सब कष्ट इसलिए देते हैं ताकि हम ये दुनिया से उपरत हो जाएं। देखो जीवन में आने वाली हर एक समस्या इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखो कल आपको बताया था कि जब सपने में कोई दुर्घटना होती है तभी सपना टूटता है, इसी प्रकार से इस जागृत सपने में ही कोई दुर्घटना होती है तब जाकर के आदमी अपने जीवन की धारा की दिशा बदलता है, और फिर उसको कोई लेना देना नहीं दुनिया से। इस प्रकार से जब हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करना शुरू कर देते हैं तब जाकर के साधक का जन्म हुआ, और वही साधक का जन्म होना यही हमारे जीवन में गुरु महाराज के रूप में ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी का आना या गुरु का आना माने एक साधारण संसारी से एक असाधारण साधक का जन्म होना, साधक का जन्म हो गया। और एक बार हमारा साधक का जन्म हो गया अब हमको संसार से लेना देना कुछ नहीं, ऐसा ही रहेगा। और ऐसा करते करते जब हम अपने स्वरूप में पहुंच गए तो फिर उसके बाद फिर कैसे जीना, समझो मैं रियलाइज हो गया, कल्पना करो। एक सज्जन ने कहा स्वामी जी रियलाइजेशन का धंधा बड़ा खराब है। तो क्या हो गया, जब से मैं ब्रह्म हो गया किसी में कोई भेद दिखता ही नहीं, कमरे से बाहर निकलना है तो मैं दीवार को टकराता हूं क्योंकि सब ब्रह्म है, दीवार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, ऐसे नहीं होता। देखो ध्यान से सुनना, जीवन में सुख दुख आएंगे लेकिन
सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। देखो ये मत समझना कि इन साधु संतों के जीवन में सुख दुख नहीं होते, बहुत जबरदस्त होते, और फिर भी वो कभी सुखी दुखी नहीं दिखते। तो ऐसा जो संत जिसने अपने आप को सब चीजों से हटा करके अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गया, यहां तक हम कल आए थे, अब उसकी कथा कह रहे हैं कि वो अपने को मारने का इरादा नहीं रखता, जो दूसरे को नहीं मारता। देखो हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, कैसे पता चले, किसको पूछे, उसके क्या लक्षण है। तो इसके केवल तीन लक्षण है। पहला लक्षण, हम जीते हैं दूसरे को जीने देते, सत्य चित, हम धोखा नहीं खाते दूसरे को धोखा नहीं देते। धोखा खाना ये भगत के लक्षण नहीं है। देखो लिव अलर्ट विजिलेंट लाइफ। और तीसरा भगवान के प्रकटीकरण का लक्षण, हम मौज में है दूसरे को दुखी नहीं करते। यदि दूसरा अपने कारण दुखी होता है तो फिर भी स्वयं दुखी नहीं होते। देखो और ये तीन बातें हृदय में आ गई तो उसके पश्चात आपके जीवन की फिलॉसफी बदल जाएगी। हमारी फिलॉसफी क्या है, एक तो हम दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करते हैं, कभी मत करना, कारण हर एक को दुखी होने का अधिकार है। हम दुखी होंगे, आपको क्या लेने देना है, बढ़िया है समझाने वाले, ठीक है, वो गलत नहीं है, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी में है ना, डेमोक्रेसी स्वतंत्र है, वी हैव फ्रीडम टू बी मिजरेबल तथास्तु। और दूसरा, अन्य को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, सभी सेल्फ सफिशियंट है। तो हमारा ध्यान दुनिया से अब धीरे धीरे उपरत होना शुरू हो जाएगा। और दुनिया माने जगत ही नहीं, जगत के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जगत के द्वारा प्रभावित होकर के सुख दुख का अनुभव आने के पश्चात सुखी दुखी होना, यहां से संसार शुरू होता है। इसीलिए हमारे कन्हैया लाल की जो योग की साधना है वो पतंजलि की नहीं है, उनकी साधना बड़ी सिंपल है, जीवन में दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करना, यही आध्यात्मिक साधना है, यही योग है। देखो इसका मतलब क्या है, भगवान जब कहते हैं जीवन में दुख आने के बाद दुखी नहीं होना यह योग है, इसका मतलब यही है कि जीवन में दुख आएंगे, ये मत समझ लेना कि किसी के जीवन में दुख नहीं आते। एक है जिसके जीवन में दुख नहीं आते, मुर्दा दूसरे के लिए निर्माण कर देता है। देखो और कौन होता है मुर्दा, जो अकड़ू है। हरिद्वार में एक बार हम स्नान कर रहे थे और स्नान करके बाहर आए, एक किसी पंडित जी के चोटरी पर हमने अपने कपड़े रख दिए थे, और जब कपड़े पहन रहे थे तो वहां लिखा हुआ था, हमेशा अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है, और प्रेम से झुकना जिंदा दिली का नाम है। कितनी बढ़िया बात, तो जो मुर्दे है वो अकड़ रहते नहीं, नरम हो जाओ। जब बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं तो उसमें पेड़ उखड़ जाते हैं, घास के पत्ते वैसे के वैसे, घास को कोई भी तूफान उखाड़ नहीं सकता। कितनी सुंदर बात। इसीलिए ऐसे जो योगी है उनका क्या है, सुख दुख यो हो वही ही मननम, ये है 33वां सूत्र। ढूंढो मत कहां गया कहां गया कहां गया है, मैं झूठ नहीं बोलता हमेशा।
तो सुख दुख यो हो बही गमनम, सुख दुख जो है हमने उसको अंदर आने के लिए परमिशन दी तो आप दुखी होगे, परमिशन मत दो। कैसे परमिशन देते हैं? उसका जब हम आदर करते हैं तब, जिसका आदर करो वो आपको परेशान करेगा। जैसे हम हमारे गुप्ता जी के यहां जाते हैं, असली गुप्ता जी, हमारे पास दो ब्रांड की गुप्ता है, तो जब जाते हैं तो हमारी बड़ी खातिरदारी होती है, सब कुछ अच्छा आराम से मिलता है। तो अगले बार हमको कोई पूछेगा कि भाई हम दिल्ली जा रहे हैं, कहां जाए, उनके यहां जाओ, बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि खातिरदारी ये उनका दोष है। यदि वो समझदार हो गए और हम गए वहां नहाने के लिए, गए साबुन लगाए, इन्होंने पानी ऑफ कर दिया, घंटा भर परेशान होते रहे, खाना खाने को बैठे दुनिया भर का नमक डाल दिया, तो घर में सब जगह एसी चल रहे, हमारे कमरे का एसी कॉन्क, और परेशान किया हमको। और अगले बार कोई पूछेगा भाई हम दिल्ली जाए, कहीं भी जाओ वहां बच जाए। यदि आप दुख का समर्थन करोगे तो दुखी हो रहे हो। कभी भी ये भाव मन में मत लाना कि मैं अनफॉर्चुनेट हूं, मैं दुखी हूं, नहीं नहीं नहीं। लाफ एट द मिजरीज एंड मेक द मिजरीज मिजरेबल, पूरा जीवन बदल जाएगा। और हम क्या करते हैं, किसी ने गलती करी, ये मैंने सीखा आप ही लोगों से, किसी भी बूढ़े आदमी को उसके स्वास्थ्य के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए, वो आपको बता बता करके बीमार कर देंगे। और वो साक्षात अनुभव बताते हैं, जब अनुभव की बात होती है तो दूसरे को गले को चिपक जाती है। देखो कोई भी पूछे आपको कि आप कैसे हो, ठोक दो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कामेरी बस जिंदा है, अरे मरो ना, जिंदा है। देखो सत्तो, अपने आप को दुखी कभी मत बताना, चाहे कितना भी दुख हो रहा हो। वैसे देखो हम लोगों को झूठ बोलने की आदत है, तो यहां झूठ बोलो ना, देखो कैसे हो, बढ़िया है, मस्त है, चुस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है, देखो आनंद ही आनंद है। और जो व्यक्ति अंदर से मस्त होता है उसकी मस्ती चेहरे पर आ जाती है, नहीं तो हमारा चेहरा जैसे बैंगन का भरता बनाने के लिए उसको कर दिया है, भरता बनाने के पहले बैंगन कैसा चिकना मस्त होता है, चमकता है, जैसे भरता भरता करके डाल दिया मर गया है। अरे राम राम राम, ये भट्टी है संसार, वो परमात्मा है, वो चिकना वाला बैंगन, उसको भट्टी में डाल दिया, परमात्मा का जीवात्मा हो गया। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य बाहर की कोई चीज नहीं है, अंदर में प्रकट होवे। इसलिए सुख दुख यो हो वही ही मननम, इस सुख दुखों को अपने से बाहर रखो। कैसे बाहर रखे, भगवान कृष्ण कहते हैं स निश्चयन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा, इसके लिए दृढ़ निश्चय कर लो कि चाहे दुनिया को आग लगे हम दुखी नहीं होंगे। देखो जहां आपने दुख का समर्थन किया वहां आपकी दृष्टि में दोष आ गया। वैसे एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप हमेशा मौज में रहो की बात करते हैं और बुद्ध धर्म में बताते हैं सर्वम दुखम सर्वम दुखम, तो दोनों में किसको स्वीकार करें? ऐसा चॉइस दिया है आपको, एक गिलास है उसमें आधा दूध भरा हुआ है, अब आपको चॉइस है आप क्या देख रहे हो। देखो आप आधे खाली गिलास को देखोगे तो रोना धोना शुरू करेंगे, और कन्हैया लाल के जैसे होगे आधा तो आधा ही सही, पौवा पौवा से तो अच्छा है,
देखो संतो, इस जीवन में आनंद की सेवा कुछ है ही नहीं, दुख सत्य नहीं है, क्योंकि वो आता जाता है, आनंद आता जाता नहीं है। गहरी नींद में भी हम खुश होते हैं, गहरी नींद में हम दुखी नहीं होते। इसीलिए सुख दुख यो हो वही ही मननम, ध्यान से सुनना, सुख दुख तब होता है जब किसी वस्तु को हम सत्य के रूप में अपने मन में प्रवेश करने देते हैं। तब यदि कोई भी वस्तु हमारे मन में प्रवेश ना करे तो सुख दुख नहीं होगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक बार हमारे पैर के बड़ी उंगली को टो को कुछ तो भी हो गया था, तो एक डॉक्टर साहब नमस्कार कर रहे थे, स्वामी जी ये क्या हो गया आपके पैर को, ऐसे कुछ ग्रोथ हो रही थी, इतनी से हो गई थी। अब हमने कहा देखो, जो अज्ञानी होते हैं, बेवकूफ होते हैं, उनको विजडम टूथ निकलता है, और जो ज्ञानी होते हैं उनको विजडम टो निकलता है, तो मुझे विजडम टो निकला है। तो स्वामी जी मजाक की बात नहीं है, इट इज नॉट गुड। तो हमने कहा ठीक है, जो करना है करो। फिर उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया और फिर आप देख सकते हैं, और हम कुर्सी पर बैठे ऐसा टेबल पर पैर रखा और उन्होंने ऐसा आराम से निकाला, हम देख रहे हैं खून निकल रहा है, वो जो बढ़ रहा था वो निकल आया, हमको कुछ दुख हुआ ही नहीं, क्योंकि उस अंगूठे ने केमिकल मेडिटेशन किया था। देखो जब वो अंगूठा मेडिटेशन में है, माने क्या, उसने जगत के सुख दुख को प्रवेश के लिए इनकार कर दिया। तो जो व्यक्ति ध्यान में जीवन जीता है उसके जीवन में भी सुख दुख आते हैं, लेकिन वो उनको एंट्री नहीं देता। सुख दुख का जीवन में प्रवेश माने सुखी दुखी व्यक्तित्व निर्माण होना। पंचदशीकार लिखते हैं एक जगह में, यदि आपको कहीं दुख हो रहा है तो ये एक बड़ा अच्छा लक्षण है कि आप अभी जिंदा हो। मुर्दे को दुख नहीं होता, जब तो मुर्दे को चढ़ा दिया वो चीता पर और आग लग गई, अरे यार गर्म हो रहा है। लुक एट लाइफ दिस विद दिस आई ऑफ विजडम, जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। तो सुख दुख यो हो वही ही मननम, न दुखम न सुखम यत्र न ग्राह्यं ग्राहको न च न चास्ति मूढ़ भावोपि तदस्ति परमार्थतः। परमार्थ किसको कहते हैं, इसको कहते हैं सुख दुखों को ग्रहण नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि मूढ़ भाव को हम प्राप्त हो गए, हमने एनेस्थेसिया ले लिया या कुछ चढ़ा ली, नहीं, तब जाकर के हम परमार्थ में निष्ठावान हो गए। अब इस प्रकार से यतश्च उत्तीर्ण पुर्यष्टक प्रमातृ भावस्य योगिनः न अंतः सुख दुख संस्पर्शः अतः एव असौ। अब यह योगी जिसके जीवन में सुख दुख का कभी प्रभाव नहीं होता, ऐसे योगी को कहते हैं तद विमुक्तस्तु केवली। बंगाली होंगे तो कहेंगे केवली, केबल का धंधा करने वाले केवली। तो तद विमुक्तस्तु माने जो अपने सूक्ष्म देह के सुख दुख के प्रभाव से मुक्त हो गया है वही वास्तव में मुक्त है। मुक्ति अनात्म भाव से करनी है। तो जिसका जिसका त्याग हो सके त्याग करते रहो करते रहो करते रहो, आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जिसका त्याग नहीं हो सकता। देखो विषयों का त्याग कर दिया इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग कर दिया मन में आ गए, मन का त्याग कर दिया बुद्धि में आ गए, बुद्धि को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, हम अपने उद्गम स्थान पर पहुंच गए, और ऐसा स्थान है वो जिसका त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए दो बातों को याद रखना, हमको ना तो अपने आदि मध्य परिवर्तन और अंत का अनुभव है, ना तो हमको अपने अभाव का अनुभव है।
जो प्रारंभ नहीं होता उसका अंत नहीं होगा, जो प्रारंभ होता है उसका अंत होता है। जैसे हमारा सत्संग प्रारंभ होगा, बंद होगा, थैंक गॉड, अखंड नहीं चलेगा। तो यह जो मुक्ति है यही मुक्ति है, जो आने जाने वाले हैं उस पे ज्यादा फंसो मत। और हम यही फंस जाते हैं। तो तद विमुक्तस्तु केवली, केवली का तात्पर्य है अब वह केवल भाव को प्राप्त हो गया। देखो केवल यह शास्त्रीय शब्द है, केवल का अर्थ है जिसमें तीन प्रकार के भेद नहीं होते। पहला भेद है विजातीय भेद। विजातीय भेद माने देखो जाति शब्द का अर्थ ये कास्ट या शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा ये गलत है, ये योग्य भाषांतरण नहीं है। जाति का टेक्निकल अर्थ है जाति माने आकार, पशु जाति वनस्पति जाति। तो ये भिन्न भिन्न जातियों में भेद, उसको कहते विजातीय भेद। फिर एक ही जाति है पशु है, और कोई गधे कोई घोड़े है और कोई बैल है, कहीं बकरी है, कहीं सांप है, कहीं क्रोकोडाइल है, भिन्न भिन्न। ये हो गया सजातीय भेद, सभी जानवर है लेकिन उसमें भी भेद है। तीसरा आता है स्वगत भेद, एक ही गाय है उसमें सिंह उसके दुम नहीं है, दुम उसकी जबान नहीं है, जबान उसके कान नहीं है, कान उसका पेट नहीं है, पेट उसके पैर नहीं है, सजातीय भेद। जहां ये तीनों प्रकार के भेद अभाव को प्राप्त हो जाते हैं उस स्थिति को कहते हैं केवली स्थिति। इसी को लेकर के कैवल्य उपनिषद है, इसी को लेकर के कैवल्य धाम है। केवली की अनुभूति को कैवल्य है। अब कौन से भेद है, पहले जीव जगत का भेद, दूसरा ईश्वर जगत का भेद, तीसरा जीव ईश्वर का भेद, चौथा जीव जीव का भेद, पांचवा जगत जगत का भेद। कितने भेद हो गए? इस सभी भेदों से जो मुक्त है, जिसके लिए जीव जगत ईश्वर ये भेद गायब हो गए। ये भेद को कैसे गायब करना है, यही समझना है। एक ही तत्व पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उस परमात्मा को जगत कहते हैं, उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जीव कहते हैं, उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी उसको ईश्वर कहते हैं। ये तीन उपाधियां हो गई, एक उपाधि नाम रूप की जगत, दूसरी उपाधि माया की ईश्वर, तीसरी उपाधि पंचकोशों की जीव। अब ये तीनों उपाधियों में हमारा अधिकार किस पर है? हमारा जगत के नाम रूप उपाधि पर कोई अधिकार नहीं, हमारा ईश्वर की माया की उपाधि पर कोई अधिकार नहीं। हमारा यदि अधिकार हो सकता है तो केवल अपने पंचकोशों पर ही हो सकता है। इसीलिए साधना शुरू हो जाती है पंचकोश विवेकेन, पहले पंचकोश का विवेक करें। जैसे अन्नमय कोश कभी मैं हो सकता क्या? भगवान शंकराचार्य कहते हैं न त्वम देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो नदि। जितने भी पंचकोश के एक एक भाग है ये तुम नहीं हो सकते। क्यों? विकारित्वाद विनाशित्वाद दृश्यत्वाच्च घटो यथा। जैसे कोई एक मटका हो, वो मटका दिखता है या वो वस्तु है, उसमें विकार आते हैं, वो नष्ट होता है। ये सभी की सभी चीजें अपने पंचकोशों पर लागू होती है। या तो अपने को घट स्वीकार करो, नहीं तो पंचकोशों का त्याग कर दो। इसी को लेकर के पुरुष के देह को घट कहते हैं और स्त्री के देह को मटका कहते हैं, क्योंकि पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती है। फंसे हैं इस देहात्म भाव में,
तो ना हमको घटिया रहना है ना भटकना है, हमको ये सब सीखने के लिए ऐसा मिलता है। एक उदाहरण दो, हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए, जिनके यहाँ रहते थे वही हमको लेके, स्वामी जी आपको आज वहाँ खाना है, चलो हमको तो खाना ही खाना है, और वहाँ खाना मैंने खाया, हमने उसके खाने की बहुत तारीफ करी, है कि यार तू छोटी सी थी अब तू बड़ी क्या हो गई, इतना बढ़िया खाना बनाती है, वो मुझे और देना, बड़ा मजा आया खाने में। और जब मैं उसकी तारीफ कर रहा था, दो बार मांग के खा रहा था, मेरी जो होस्टाइल थी, आदमी को होस्ट कहते हैं, उसके पत्नी को होस्टाइल कहते हैं, बच्चों को होस्टिलिटीज कहते हैं, पर मैं होस्टेज हो जाता। तो जैसे मैंने उसकी तारीफ करी वगैरह, खाना हो गया, अभी मेरी जो होस्टाइल थी, मेरे कहते स्वामी जी मुझे आपसे बात कर रहे, हमने यार घर में बात करेंगे ना, अभी इसके यहाँ इससे बात करेंगे, नहीं अभी बात कर रहे शुरू हो जाओ, पर यहाँ नहीं उस कमरे में, कोई भी जब मुझे किसी कमरे में ले जाता है, चाबी खो गई, अरे राम 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 राम, इतना भयानक होता है, दूसरा कुछ रोना धोना कंप्लेन हो कुछ नहीं। देखो शादी आप लोग करते, परेशान हमको कर रहे, किसने कहा था शादी करने के? अच्छा महाराज, वो आई बैठी, मैं वहां छोटा ही कमरा था, मैं बेड पर बैठा, पैर नीचे लटक गए, वो नीचे बैठी और अपने सर को मेरे घुटनों पर रखा और रोना धोना शुरू कर दिया। हमने कहा यार मेरे कपड़े तुम खराब कर रही हो, दूर से रो, रोने के लिए नजदीक आने की क्या जरूरत है, मैं दूर से सुन लूंगा। और फिर कहते स्वामी जी आपने उसके खाने की कितनी तारीफ करी, पिछले 3 दिन से मेरे घर में है, आपने 9 खाने खाए लेकिन एक बार भी तारीफ नहीं करी। उस दिन मुझे ये सिद्धांत प्राप्त हो गया, एक स्त्री की दूसरे स्त्री के सामने तारीफ करो तो आप पर बम गोला गिरने वाला है। यही तो संसार है संतो, जो दूसरे की खुशी में खुश हो जाता है वह साधु संत होते हैं। हमको दूसरे की खुशी सुन करके पेट में गड़बड़ी होने लग जाती, तो तब विमुक्तस्तु केवली, ये सब भेद ऐसे ऊपर उठ गए। और कैसे ऊपर उठना है, हमको केवल पंचकोशों से अपने आप को अलग करना है। कई लोगों का ये देह को लेकर के पूरा जीवन चलता है, तो स्वामी जी आप ये करोगे ना तो आपकी हेल्थ ठीक होगी, मेरी हेल्थ कौन सी खराब है, नहीं आयु लंबी होगी, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, 24 घंटे देह देह उससे निकलना नहीं चाहते। ऐसे जो योगी देहात्म भाव को पोषण करने वाले हैं, ये भगवान के सामने जाएंगे, भगवान को कहे भगवान ऑर्गेनिक भोग है, भोग कभी ऑर्गेनिक होता है? देखो ये शुद्ध गाय का दूध है, भैंस का नहीं है। इस चक्कर से अपने आप को बचाओ, देहात्म भाव की निवृत्ति होने के लिए भगवान हमारे शरीर में कष्ट निर्माण करता है, उसका प्रयोजन समझो। देखो इसी प्रकार से आपके बच्चे आपका बड़ा आदर प्यार करते हो गए, समझ लेना आप फंस रहे संसार में, आपके बच्चे ऐसा हो के आपको परेशान करे, थैंक गॉड गो रिलैक्स। इसीलिए हमारे सिद्धांत विचित्र है, जिनको बच्चे होते नहीं वो बहुत सुखी, जिनको केवल लड़कियां होती हैं वो सुखी है नहीं थोड़े कम, जिनके लड़का लड़की दोनों हैं वो ठीक है, और जिनके केवल लड़के हैं बिचारे, जिनके बच्चे नहीं होते उनको चक्कर ही नहीं कोई, और जिनको लड़कियां है, लड़कियां कैसी होती है, शादी के पहले माँ बाप की सेवा करती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड को अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए एम्प्लॉय कर देते हैं, और लड़का शादी के पहले भी माँ बाप की सेवा नहीं करता, शादी के बाद बिजी हो गए और ये दुखी होते थे। तो यदि कोई ऐसा लड़का है तो उसके बच्चे को जिंदगी भर पालते रहो,
देखो संतो, हर एक अनुभूति से ऐसा अर्थ निकाले कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप की तरफ मुड़ जाए, तब उसको चिंतन कहते हैं। नॉर्मली हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट मत करो, चिंतन करो। तो तद विमुक्तस्तु केवली, इस प्रकार से ये पंचकोश और उसी के कारण ये संसार सत्य है। जहां हमने ये पंचकोशों का त्याग कर दिया, और त्याग कैसा होगा, केवल समझदारी से, शरीर को मारने की आवश्यकता नहीं, आंखों को फोड़ने की आवश्यकता नहीं, मन को दारू पी करके सुलाने की आवश्यकता नहीं, केवल समझदारी की आवश्यकता। देखो संतो, जिसका जीवन समझदारी से चलता है वही साधक है। इस प्रकार से होने के बाद मोह प्रति संहतस्तु कर्मात्मा, अगले सूत्र में कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस मोह के द्वारा प्रभावित हो गया है वो कौन है, कर्मात्मा। वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ करना है करना है, इससे मुक्त नहीं होगा। ये बहुत महत्व की बात है। जहां आपने कुछ करना है वहां आप कर्तृत्वाभिमानी बन गए, जहां कर्तृत्वाभिमानी बनोगे वहां कर्म का पाप पुण्य धर्म अधर्म निर्माण होगा। कर्म किसको कहते हैं, क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। जैसे एकादशी के दिन आपने चावल खा दिया, अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, गलती हो गई महाराज, आज एकादशी हमने चावल खा दिया, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने चावल खाया है ना, कुछ नहीं होगा, सिंपल बात है, डायरेक्टली नरक में जाओगे, नॉन स्टॉप फ्लाइट बुक फॉर यू, क्योंकि मैंने खाया। खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ, बड़े पुण्यवान हो यार, डिसेंट्री हुई, पापी हो, नहीं। कारण क्या, एक ही कारण, मैं खाना पचा रहा हूं, ये भाव कभी निर्माण नहीं होता। जहां क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है उसी को कर्म कहते हैं, और ये कर्मात्मा बन गए। पूरी जिंदगी ये कर रहे हैं, वो करना, ऐसे करना है, वैसे करना है, अरे शांत रहो ना। देखो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस का निर्माण किया है वो राम भक्ति का प्रचार करने के लिए नहीं किया है। देखो फिर किस लिए किया है, स्वांत सुखा ये तुलसी रघुनाथ गाथा, उन्होंने अपने मस्ती के लिए किया है। अब उससे दुनिया का भला हो रहा हो तो वो वैसे ही है जैसे गाय दूध के लिए रखते हैं और गोबर फ्री। देखो गोमूत्र के लिए नहीं रखते गाय, लेकिन कई लोगों को गोमूत्र में बड़ा इंटरेस्ट होता है। एक बार हम जा रहे थे कहीं, हमारे कार टायर खराब हो गया तो रुक गए 10-15 मिनट के लिए, वहां एक गाय का फार्म था, तो हमने कहा चलो घूम के आते हैं। हमारे घर एक बूढ़ा अम्मा थी, इसीलिए मैं किसी को साथ में नहीं लेगा। स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जाओ भाई, तुमको क्यों बताऊं, नहीं 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 मैं भी आऊंगी, आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने भाई एक गायों के फार्म में जा रहा हूँ। गायों का फार्म है, हाँ। तुरंत गई दौड़ करके कार के पास, उसमें से बोतल निकाली, 20 रुपए का बिस्लेरी का पानी जमीन में फेंक दिया और खाली बोतल लेके आई, और स्वामी जी अच्छा हुआ क्या, मुझे गोमूत्र लेना है। अरे राम 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 राम, इमेजिन करो पूरे ट्रेवल में उस गोमूत्र की सुगंध। अरे बुढ़ाओ लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं, वो समझना नहीं चाहते, अपनी ही लगाएंगे, बड़े जिद्दी होते। मैंने कहा इस अम्मा को कैसे समझाऊं, हमने कहा अम्मा देखो ये सब गाय है ना, ये अंग्रेजी है। हाँ अंग्रेजी तो है, अंग्रेजी गाय का गोमूत्र नहीं होता, यूरिन होता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, बच गए। देखो तो इसी में फंसे रहेंगे, इसीलिए जीवन का लक्ष्य परमात्मा की उपलब्धि,
जो कुछ हो रहा है होने दो, मुझे ये करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। देखो नहीं तो मनुष्य उसी में लग जाता है। देखो तो मोह प्रतिसंहतस्तु कर्मात्मा, क्योंकि वो मोह में आ गया है। कैसे मोह में आता है? देखो आपको किसी ने गाली दी तो आप उससे उपरत हो जाओगे, और आपके किसी ने तारीफ करी तो गुप्ता जी जैसे तो धर्मात्मा दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, गुप्ता जी एक फ्रॉक के बुल बन गए, फटा आपको सबको बताया क्या मैंने मेरे गुप्ता जी कहां से आए? एक बार झुमके वाली बरेली है, वहां किसी पेड़ के नीचे एक बेंच पर बीच में शतरंज रख करके चेस बोर्ड दो आदमी खेल रहे थे, एक के पीछे 8-10 लड़के खड़े, दूसरे के पीछे खड़े, और मैं भी वहां चाय पीने गया, देख रहा था दूर से, और एक सज्जन दूसरे को बता रहा, अरे गुप्ता घोड़े को चला, अरे गुप्ता हाथी को चला, एक घर और चला गया, और वो गुप्ता कर रहा था वैसे जीत गया। ये कहता है कौन मुझे बता रहा था? बोले मैं बता रहा था, मैं तो तुमको जानता नहीं, तुमने कैसे जाना? मेरा नाम गुप्ता है। बोले मैं हर बेवकूफ को गुप्ता ही कहता। देखो महाराज जीवन में आनंद लो। हम दिल्ली से जा रहे थे पिलानी, बीच में हरियाणा से जाना पड़ता है, हरियाणा के लोगों में जितनी विनोद बुद्धि है और किसी में नहीं है, दे गॉट हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमर एंड विट एंड ह्यूमर। तो बीच में रुक गए चाय के लिए, हमने कहा चौधरी चाय बना यार, तो चाय बनाई और चाय अच्छी नहीं, हमने कहा यार चाय में मजा नहीं आया, कोई बाबा जी मजा आता नहीं, लेना पड़ता है। देखो जीवन में मजा लेना पड़ता है, मिलता नहीं। ये जीवन इतना सहज बन जाता है, लेकिन मैंने ये किया, मैंने वो किया, लोगों को क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? देखो यदि आपके जीवन में कुछ भी करने से दुख का निर्माण होता है तो आप बहुत ही स्ट्रांग इगोइस्ट है। एक बार कलकत्ते में हम किसी के यहां थे, बहुत पुरानी बात है 40-30 साल पहले की, उनसे हमने ये सीखा, साथ साथ खाना खाया, फिर उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने मैं बेकार हूं इसलिए बाबा जी हूं। तो गीता पर प्रवचन बना, बोले तुम्हारे प्रवचन से कोई सुधरता है? बिल्कुल नहीं सुधरता। फिर क्यों? हमने कहा यदि वो सुधरेंगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो चाहता हूं कोई बिगड़े रहे। सभी डॉक्टरों की ये प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु रोगिनः नॉट सुखिनः। तो फिर मुझे भी शराबंद में पूछना पड़ता है बाबू जी आप क्या करते? ही वहां 78 नॉट आउट। तो बुढ़ाओं को पूछ लिया, गलती मेरी, उसने शुरू कर दिया, महात्मा गांधी और विनोबा भावे से प्रभावित होकर के मैंने एस कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया, और उन्होंने कहा पूर्वोत्तर भारत में जाओ सेवा करो, और मैं यहां नागालैंड में आ गया, और यहां मैंने ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, पूरे खून पसीना एक करके एक बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई, और वही लोग मुझे मारने पर तुले हैं। ये कहने के बाद जैसा जैसा बता रहे थे वैसे वैसे कड़वाहट का लेवल बढ़ रहा था। फिर कहते ये जो दुनिया है ना ये कुत्ते की दुम है। तो उन्होंने ऐसा कहा, मैंने बोला कि बाबूजी कुत्ते का सौंदर्य उस दुम के कारण ही होता है। कल्पना करो किसी कुत्ते की दुम डिश एंटीना की जैसा हो, अच्छा दिखेगा? ये दुनिया जैसी है वैसी आपको अच्छी लगे तो समझ लेना आपका अहंकार खत्म हो गया। जैसे मां को अपना बेटा जैसा है वैसे अच्छा लगता है, तो मां का बच्चे के प्रति प्रेम यह अहंकार नहीं है, यह अनुभूति है प्रेम की। इसी प्रकार से परमात्मा ने दुनिया को जो निर्माण किया है उसके लिए साधु संत और चोर उचक के सब समान है। जैसे सपने में हमारे जो भी हो
सबके प्रति हमारा मन समान होता है। इसीलिए जो कर्मात्मा है, मैंने उनके लिए इतना किया, खून पसीना एक किया, ध्यान से सुनना, इस कर्म के चक्कर से निकलना है, आपको एक सिंपल टेक्निक बता दे, ट्राई करो महाराज। हम जो भी करते हैं जीवन में उसकी किसी को आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हमारी है। जो काम आप अपनी आवश्यकता है इसीलिए करते हो, उसमें नम्रता आ जाती है, उसमें एरोगेंस नहीं आता। देखो जो देश विदेश में गए उनको पता होगा, इमिग्रेशन के थ्रू जब हम जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिस के ऑफिसर के सामने गए तो हमारा बिहेवियर दुनिया में बेस्ट होता है। सर यस सर यस सर यस सर, क्योंकि आवश्यकता अपनी है अंदर घुसने की। वह एक शब्द आप जरा जोर से बोलो, एकदम बाहर। इसी प्रकार से इस जगत में जो भी कर रहे हैं, दुनिया को इसकी आवश्यकता नहीं। फिर किस लिए कर रहे हैं? अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करना, यही जीवन का लक्ष्य है। लेट अस बी ए काउंटर टू डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, बट वी कैन डू दैट ओनली इफ यू डोंट एनकाउंटर विद एवरीबडी। तो ये मोह प्रतिसहतस्तु कर्मात्मा, इससे हम निकल जाएंगे। भेद तिरस्कार सर्गांतर कर्मत्वम, और यह भेद जो अनेक प्रकार के भेद होते हैं, विषय विलगीकरण होता है, उसको यदि आप निकाल दो तो आप इस आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। इसीलिए सर्गांतर कर्मत्वम, फिर आपका जो कर्म है वो कर्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं कर्म को पूजा के रूप में करना माने क्या। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, भगवान को आवश्यकता नहीं उसकी, आवश्यकता अपनी है। हम मंदिर बनाते हैं, भगवान को किसी भी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हम अपने लिए बनाते हैं। एक जवान लड़के ने मुझे पूछा, आपके भगवान इतने शक्तिशाली है तो अपने मंदिरों की रक्षा क्यों नहीं की जब मुसलमान आके तोड़ते थे। हमने कहा महात्मा जी, मंदिर किसको चाहिए? भगवान को नहीं चाहिए, तो हमको एक आलंबन चाहिए। इसीलिए मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद और चर्च होते हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तो जब कोई चीज हम अपने लिए बनाते हैं तो वो सुंदर होगी, अच्छी होगी, पवित्र होगी, परिपूर्ण होगी। इस प्रकार से जहां हमने अपने दृष्टि को बदल दिया, भेद तिरस्कार सब में भेद का निराकरण करो, उसके बाद हम किसी की सेवा कर नहीं रहे हैं, उसके बाद सेवा होती है। देखो कई जगह भी होता है हम चीप सेवक है, हम तो आना चाहते थे, एनजीओ ब्रांड जितने सब ऐसे ही है। एनजीओ माने नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन। एक उदाहरण दो आपको, रिसेंटली पिछले ही साल हुआ था, इसी साल पिछले साल 2016 है नहीं, हाँ इसी साल हुआ, वाराणसी में एक एनजीओ की मीटिंग थी, हमको बुलाया, कम से कम 50 लोग आए थे देश विदेश से, और सबका आज आने जाने का किराया खर्चा फ्लाइट का सब कुछ दे दिया, 5-स्टार होटल में रखा, 3 दिन वहाँ उनके प्रोग्राम हुए, और उन्होंने हमको कहा कि महाराज जी आपके कितना टिकट है, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो हमने टिकट दे दिया, हमको पेमेंट टाइम हो गया क्या? अच्छा, तो सबको दे दिया। 3 दिन मीटिंग चली, खूब बढ़िया खाना पीना और अनेक प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम, और सब आकर के अपने अपने पेपर प्रेजेंट कर रहा था, और सब होने के पश्चात सब लोग जब कंक्लूडिंग मीटिंग हुई तो कंक्लूजन क्या निकला, अगली मीटिंग लेह में होगी। इस मीटिंग से क्या निकला किसी को पता नहीं। तो 50 लोग आए थे, एवरेज पकड़ लो आप, पर हेड 1 लाख रुपीज, 100,000, तो 50 लाख रुपए
गंगा जी में स्वाहा, वाराणसी दी में क्या निकला उसमें से? देखो सेवा ऑर्गेनाइज नहीं होती, जहां आप कोई भी कार्य ऑर्गेनाइजेशन के बल पर करोगे वहां आप फंस जाओगे। किसी भी आश्रम में चले जाओ, सबकी यही कहानी है, महाराज जी तो बड़े अच्छे थे लेकिन यहाँ के ट्रस्टी ऐसे हैं, यहाँ के मैनेजर ऐसे हैं, वो हकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं। देखो इसीलिए यहां बताते हैं हमको इस सब से बचना है, अपने आप को इससे भेद तिरस्कारे, हमारी दृष्टि बदल जाए। दृष्टि कैसी होती है? आप चल रहे हैं, कोई बालक दौड़ के आ गिर गया तो उस बालक को आप उठा करके उससे, वो कोई बात नहीं बेटा बढ़िया है, तुम तो बड़े पहलवान हो, तुमको कुछ होता ही नहीं, दूसरे बच्चे तो रोते हैं, तुम तो बड़े शेर हो यार, और बच्चा है उसकी तारीफ करो, अपना रोना भूल गया। ये जितनी बड़ी सेवा है उससे बड़ी सेवा और कोई नहीं, उसमें आपका मैं पैदा नहीं होता। देखो बच्चा गिर गया था मैंने उठाया नहीं, सेवा वो होती है जिसमें मैं पैदा नहीं होता। और दूसरी महत्व की बात, यही बात भगवान कृष्ण भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये भाव बना रहे, जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं वो भगवंत है। और मैं सेवक, ध्यान से सुनना, सेवा भाव यदि आपको जागृत हो गया तो सेवा भाव का तात्पर्य क्या है? आप इंसल्ट प्रूफ हो जाओगे। देखो कल्पना करो हम नौकर हैं और हमारे निर्मल जी हमारे बॉस हैं, कल्पना नहीं करो है वैसा ही है। तो बॉस क्या करता है, 10-50 लोग आ गए तो उनके सामने अपना रोब दिखाने के लिए नौकर पर चिल्लाता है, अरे मेरे को पाली लिया सबके लिए, कितने बार बताया है, ये नौकर लोग बड़े बेवकूफ होते हैं। ऐसा जब ये कहेंगे तो वहां बैठने वाले किसी को भी ये नहीं लगेगा कि नौकर का अपमान किया है। चिंतन करो, और यदि मैं नौकर, मैंने उल्टा जवाब दे दिया, दास साहब कितना पानी पियोगे, टैंकर हो गया, ऐसा मैंने उल्टा जवाब दिया तो हर एक के मन में ये भाव आया, देखो कैसी उल्टी बात करता है, बड़ों का अपमान करता है। तात्पर्य क्या निकला, मैं सेवक, यदि आप में सेवा भाव जागृत हो गया तो आपका अपमान नहीं होगा और आपको मान मिलेगा नहीं, तो आप मान अपमान के परे चले जाओगे। देखो संतो, छठवें अध्याय में परमात्मा की उपलब्धि के यही लक्षण बताए हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जीवन में आने वाले जो द्वंद्व है, जिसका प्रभाव मन पर न पड़ने के कारण इनके मन का संतुलन हमेशा बना रहता है, और मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान के द्वारा इनको ना कोई फर्क पड़ता है, किसी ने मान दे दिया, किसी ने अपमान दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जो है परमात्मा समाहिता, वह परमात्मा की गोद में जाके बैठा। तो आध्यात्मिक साधना बाहर के आलंबनों पर नहीं होती, अपने भाव पर होती है, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। देखो इसीलिए इसको अध्यात्म कहते हैं, आदि भौतिक धर्म होता है, आधी दैविक भक्ति होती है, अध्यात्म अपने को सुधारना है। लेकिन हम जहां भी जाते हैं मंदिरों में प्रार्थना क्या करेंगे, भगवान मेरे बहू को जरा ठीक कर देना, टेढ़ी चल रही है, माने आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। देखो इसीलिए इन सब चीजों से हट गए, उसके पश्चात कहते हैं करुण शक्ति ही सतोनुभवान, और फिर इसके बाद ये जो संत है, ये ज्ञानी योगी जो है,
वो इतनी सारी चीजें अपने संकल्प मात्र से कैसे निर्माण कर सकता है? कहते स्वतः अनुभवार, अपना अनुभव नहीं है क्या? हम ही एक कल्पना करते हैं, ये एक मकान बनाना है, कल्पना है तो पहले कल्पना होती है, फिर धीरे धीरे वो कल्पना साकार होकर के एक घर बन जाता है। तो जब हमारी कल्पना साक्षात निर्माण कर सकती है, तो ये ज्ञानी योगी जो है, क्या इनकी कल्पना से जगत निर्माण नहीं होगा? फर्क इतना ही है, हमारी कल्पना को साकार करने के लिए बहुत समय लगता है। साधु संतों की कल्पना एक क्षण में साकार हो जाती है, इसीलिए उनको सत्य संकल्प कहते हैं। उनके संकल्प और संकल्प का कार्य ये अभी अलग अलग नहीं हुए हैं, और इसीलिए स्वतः अनुभवात, अपने अनुभव से देखो, हमने जो भी निर्माण किया है अपने संकल्प के द्वारा ही। ये जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? कल्पना ही तो करते हैं, ऐसा मकान बनाएंगे, वैसा मकान बनाएंगे। पहले कल्पना में होता है, फिर कागजों में आ जाता है, कागजों में आने के बाद किसी को पकड़ते हैं और अपनी कल्पना दूसरे के पैसे से पूरी करके उसको पछताने के लिए छोड़ देते हैं। ये आर्किटेक्ट लोग जो होते हैं ना, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें यूटिलिटी कम होगी, दीवारें ज्यादा होगी, और फिर फैमिली, ये जो मेरा मकान बना है ना, ये वर्ल्ड में नोन है, क्योंकि इतना घटिया मकान कहीं था नहीं। अभी हम किसी के घर गए थे, उनके घर की बात उन्हें बताई, बड़ा डिफरेंट टाइप का था। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ये जो मैगजीन आता है वर्ल्ड का इंटीरियर, उसके बाद दो दिन नाम बताए और बोले यहाँ पूरे देश विदेश के लोग आकर के फोटो ले गए, सब कुछ ले गए, इसको बड़े अवार्ड मिले। हमने कहा यार तुमने बहुत बढ़िया बनाया। बोले मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया था, मैंने खरीद लिया। हाँ वो उनको घर ही सब कुछ है, कल्पना सब कहते हैं तो घर अच्छा ही होना चाहिए। हमने कहा इसकी इतनी समस्या है? हाँ ये समस्या है तो है, लेकिन घर अच्छा है। अच्छा, उसके बाद त्रिपदाद्यनु प्राणनम, फिर ये जो हमारी तीनों प्रकार की अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों में हम उसी प्रकार से मस्त रहेंगे। हमारे लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों समान है। देखो मांडुक्य उपनिषद में आता है, जागृत और स्वप्न ये 100% समान है। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति सपना ये सपना है करके नहीं देखता, सपने के समय वह जागृत के जैसा ही ठोस होता है। कई बार कोई भयानक सपना हुआ तो हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, पसीना पसीना आ गया, और अच्छा था सपना था। यदि वो सपने को सपने के जैसा देखते तो इतना प्रभाव नहीं होता। देखो तो हम जो कहते हैं हम जागृत अवस्था में सपने में नहीं है, इससे बड़ी गलती कुछ नहीं है। स्वकाले सत्यवत भांति प्रबोधे सती असत भवे, भगवान शंकराचार्य कहते हैं जब ये घटना होती है तब ऐसे लगता है कि ठोस सत्य है, कि जहां जग गए वहां पता चलता है ये कभी नहीं हुआ था। इसी प्रकार से साधु संत जब ये जागृत सपने से जग जाते हैं, एक संत के वाङ्मय में लिखा था, एक अच्छा उन्होंने भजन लिखा, तो कहते हैं मैं गुरु महाराज की कृपा से ये भव नदी को पार कर गया और इतना खुश हो गया, फिर अपने गुरु महाराज को धन्यवाद देने के लिए और उस नदी को देखने के लिए मैंने पीछे मुड़ के देखा, ना वहां गुरु महाराज थे ना वहां नदी थी, मैं जहां के वही था। सपने में कितना भटकते हैं हम और होते कहां, वही बिस्तर में पड़े। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहते हैं, तब
जागृत की जागृत का बादल आया चला गया, स्वप्न का बादल आया चला गया, और सुषुप्ति का अंधकार आके चला गया, और समाधि का निरभ्र आकाश आके चला गया। हम ज्यों के त्यों, ध्यान से सुनना, हमारे बोलने पर विश्वास मत रखना। जितनी लंबी दाढ़ी उतना ज्यादा डाउट। फिर अपने अनुभवों का विश्लेषण करके उससे सीखो। तो आपको पता चलेगा एक प्रकार के अनुभव ऐसे होते हैं वो होते हुए भी गलत होते हैं। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त अनुभव होता है, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होता, यह तो पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित करी गई है। देखो एक बार किसी के यहां गए थे हम, उनकी बहू चाय लेके आई। उस समय मेरे आंखों में कुछ हो रहा था, मैं आंखों को ऐसा कर रहा था, तो वहां एक के जगह दो दिखी। आंखों को दबा तो दो दिखते हैं ना, दो दिखी। तो मैंने कहा, अरे भैया आपने दो दो बहू लिया है क्या लड़के के लिए इकट्ठी? तो वो बहू भी बड़ी स्मार्ट थी, बोले स्वामी जी ये दो स्वामी के लिए, एक वो स्वामी के लिए, ये स्वामी के लिए। उसने भी अपनी आंखों में लगाया, उसको दो स्वामी दिखने लगे। तो दिखते हैं दो, आंखों पर प्रेशर डालो, लेकिन होते हैं क्या? इसी प्रकार से कोई अनुभव हो रहा हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है। और जो अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है वो भ्रांति है, वो मिथ्या है। जैसे मिराज वाटर्स, जैसे मृग तृष्णा रात को नहीं दिखती, दोपहर को 12 बजे जब सूर्य किरणें जमीन पर टकराती है तब जाकर के दिखती है। यदि वो परिस्थिति नहीं हो तो यह मिराज वाटर्स दिखता नहीं। इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था तभी होती है जब हमारा देह के साथ तादात्म्य है, जब हमारा मन के विकारों के साथ तादात्म्य है तो स्वप्न, जब ये जागृत स्वप्न के अभाव के साथ तादात्म्य है तो सुषुप्ति, जब मन के निर्विकार के साथ तादात्म्य है तो समाधि। और ये चारों स्थितियां परिस्थिति विशेष में होती है, लेकिन अपना जो होना है उसके लिए कोई परिस्थिति विशेष की जरूरत नहीं है। चाहे जागृत आके चला जाए, सपना आके चला जाए, नींद लग के टूट जाए और समाधि खत्म हो जाए, हम ज्यों के त्यों है। देखो कबीर जी का एक दोहा है, कहते हैं हद 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 जाने सब कोई, हद माने पार्टीशन, अनहद न जाने कोई। और कहते अपने बारे में, हद अनहद के बीच में पड़ा कभी रास होए, हंसता है। ये अपना स्वरूप है, उसमें निष्ठावान होकर के जीना, यही अध्यात्म है। बाकी का सब नाटक चल रहा है, जैसे आप सुन रहे हो उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो, कोई अपने हृदय में लेने की जरूरत नहीं। चित्त स्थिति वत शरीर करण बाह्येषु, जैसे हमने अपने मन के स्थिति को हमने समझ लिया, जान लिया और उसको नियंत्रण में लाया, उसी प्रकार से शरीर करण बाह्येषु, इसी प्रकार से जो बाहर के जगत की स्थिति है उसमें भी उसी चैतन्य का दर्शन हो गए। देखो और एक सिद्धांत की बात बताए, जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध चैतन्य के रूप में पहचान लेता है वह अन्य को जड़ के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। देखो हम अपने आप को चैतन्य के रूप में नहीं स्वीकार करते, स्वीकार करते हैं चेतना के रूप में। चेतना और चैतन्य में फर्क है। तो चूंकि हम चेतना के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चेतन, बाकी सब जड़। लेकिन चैतन्य के दृष्टि से देखो जड़ चेतन का भेद नहीं है, भेद है उपाधि का। मन के दृष्टि से देखो तो आंखें और कान में भेद नहीं है, और आंखें कान के दृष्टि से देखो दोनों में भेद है।
इसी प्रकार से क्या एक तत्व ही सब में व्याप्त है। इसका प्रभाव क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तेन त्यक्तेन भुंजी था, जगत के प्रति जो भोग बुद्धि है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। महाग्रुदा कस्य स्वित धनम, जगत के प्रति जो संग्रह बुद्धि है वो भी खत्म हो जाती है। संग्रह बुद्धि का त्याग, भोग बुद्धि का त्याग और अपने कर्तव्य कर्मों को करते करते टाइम पास करना, ये तीन बातें जिसके जीवन में आ गई है, उसने इस मंत्र का पहली जो लाइन है ईशा वास्तविदम सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत, इस पंक्ति का अर्थ उसने अपने हृदय में उतारा है। देखो ये दृष्टि परिवर्तन से, इसीलिए शास्त्र हमको दृष्टि बदलने के लिए बताते हैं। दृष्टि ये है ईशा वास्तविदम सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत, यदि आपने इस पर अमल किया तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, जगत के प्रति भोग की भावना त्याग हो गई, फिर भुंजिता आत्मानं पादयता, आप अपने स्वरूप में बैठे रहे। और फिर मां कृतः कस्य सिद्धनम, इस दुनिया में कोई भी चीज अपनी नहीं है, कस्य परमात्मनः, ये सब प्रभु की दुनिया है, हम वहां आगे बढ़े, ये मेरा ये मेरा, इसका मतलब निकम्य नहीं, निकम्य मत बैठो। कुर्वन ने वे है कर्माणी, अपने आप को बिजी रखो, बिजी रखो, बिजी रखो, नेवर रिटायर इन लाइफ। जहां रिटायर हो गए वहां डिप्रेशन में चले जाओगे, नहीं तो किचन में बैठे रहोगे, दिन भर खाते रहे खाते रहे खाते रहे। देखो इस प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है, और बाकी का जो बचा खुचा है उसको हम कल पूरा करने का प्रयत्न करेंगे हरि इच्छा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु नमः। हरि ओम।